हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पंचायत चुनाव होने के बाद अब आजमगढ़ में जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गयी। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद सपा की नजर अध्यक्ष पद पर है। 10 सालों से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर सपा प्रत्याशी काबिज है। 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। बीजेपी और सपा ने यहां अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इस बार बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतार कर सस्पेंस बढ़ा दिया है। बीएसपी का दावेदारी न करना किसी के गले नहीं उतर रहा है। कारण ये है कि बीएसपी दो बार इस कुर्सी पर कब्जा कर चुकी है। इस बार भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद उसे दावेदारों में गिना जा रहा था, लेकिन चुनाव को लेकर बीएसपी की चुप्पी ने बीजेपी के साथ साथ सपा की बेचैनी भी बढ़ा दी है। आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी है। सपा ने यहाँ बाहुबली विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र विजय यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी पहली बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी की यूपी में सरकार है और गृह मंत्री के करीबी कारोबारी कन्हैया निषाद के पुत्र संजय निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। ये पहला चुनाव है जब बसपा ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर हमेशा से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का वर्चस्व रहा है। अखिलेश यादव के गढ़ में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारकर समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी भ्रम में डाल दिया है। सपा यहां चार बार तो बीएसपी दो बार अपना अध्यक्ष बना चुकी है। बीजेपी को आज तक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत नहीं मिली है। इस चुनाव में सपा 84 में से 25 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं बीएसपी 14 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को मात्र 11 सीटें मिली है, तो वहीं सबसे ज्यादा 27 सीटों पर निर्दलीयों को सफलता मिली है। राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीएसपी मुखिया का चुप रहना बड़ा संकेत है। आजमगढ़ में उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने दम पर चुनाव जीत सके। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 43 सदस्यों का समर्थन चाहिए। बीएसपी के पास 29 सदस्य कम है। अगर सारे निर्दलीय बीएसपी के साथ चले जाएं, तब भी वो बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। पार्टी में मची उठापटक के बीच मायावती नहीं चाहेंगी कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें हार का सामना करना पड़े। शायद ये एक बड़ी वजह है कि बीएसपी ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो ये भी नहीं चाहेंगी कि आजमगढ़ में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो। अब ऐसे में आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और भी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारना किसके लिए फायदेमंद होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।